हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। गाइस मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। दिस इज ओमकार सिंह हु इज रेडी टू टीच यू। गाइस आज हम जो एक्टिव एंड पैसिव का हमारा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज के अंतर्गत इम्पेरेटिव सेंटेंस लेकर उपस्थित हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पार्ट वन, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें दो पार्ट में पूरा करना है, तो पार्ट वन आज हम स्टडी करेंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस कथ के लिए हम आपके आभारी होंगे। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। फ्रेंड्स इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता आज्ञावाचक, जो आज्ञा का बोध कराते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट के रूप में हम सेकंड पर्सन यू को सपोज कर सकते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, डोंट या डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट दृश्य नहीं होता है लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, हम जिसे यू मानते हैं। ओके तो ऑर्डर की बात करें, इम्पेरेटिव से ऑर्डर का भाव प्रकट होता है, इम्पेरेटिव से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव प्रकट होता है। तो हमने इसके अंतर्गत ए पार्ट ऑर्डर लिया है। सबसे पहले अगर दिए गए सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट हो तो ऐसी स्थिति में गाइस सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं। क्या बनाएंगे? लेट। सब्जेक्ट तो इसमें दिया नहीं होता है, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इच्छा अनुसार बाई यू का प्रयोग हम कर सकते हैं, चाहे आप ना भी कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। तो देखिए हमने फॉर्मेट तैयार किया है, लेट सबसे पहले, फिर नया सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि तो सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं होता है तो सब्जेक्ट के रूप में आप यू सपोज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन यू आपका सब्जेक्ट कवर करता है। और लेट न्यू सब्जेक्ट अगर नेगेटिव रूप में हो, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो, तो हम न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या ये कहना चाहिए बी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, बाय यू हमने रख दिया है घेरे में, आपकी इच्छा है लगा दीजिए, इच्छा है नहीं लगाइए, ना लगाए तो अच्छी बात है, कोई आवश्यकता लगाने की नहीं है, अदरवाइज हम रख सकते हैं। ओके तो फर्स्ट सेंटेंस दिया रिंग द बेल। अब हमारा ये क्या है? डी वन है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्ब। रिंग क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बर्ब। द बेल ऑब्जेक्ट रूप में है, सब्जेक्ट सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा, सब्जेक्ट दिखाई हमें नहीं दे रहा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। फिर नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द बेल। द बेल। और इसके बाद क्या लगाएंगे? बी। और थर्ड फॉर्म रिंग की हो जाएगी गाइस रंग। फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। लेट द बेल बी रंग, ये हमारा पैसिव बन गया। दूसरा सेंटेंस दिया है डोंट ओपन द विंडो। अब यहाँ पर डोंट से शुरू है, ओपन द विंडो आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, खिड़की मत खोलो, तो निगेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? लेट। लेट द विंडो। द विंडो। फिर इसके बाद देखिए न्यू सब्जेक्ट के बाद क्या? नॉट, क्योंकि डोंट दिया है, तो डोंट और डू नॉट को हटा देते हैं और न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग
करते हैं। नॉट, और इसके बाद लगाएंगे बी और फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। लेट द विंडो नॉट बी ओपन। इस तरह से ऑर्डर वाला सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां की हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है। जब ऑब्जेक्ट नजर नहीं आए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट भी नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डोंट देखिए सेंटेंस दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। डोंट राइट ऑन द वॉल ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग। इस सरकारी बिल्डिंग पर मत लिखिए। तो आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, आदेश एक तरह का आदेशात्मक भाव प्रकट हो रहा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे साहब द वॉल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं। आप कहें ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट कब होता है? जब सीधा सीधा क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। फिर पोजिशन लगा दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं, उसका रूप चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट का भाव करते ही एडवर्ब का भाव प्रकट कर रहा है। ऑन द वॉल प्लेस दे रहा है, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट होता नहीं, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑन द वॉल स्थान का भाव प्रकट कर रहा है, स्थान एडवर्ब ऑफ प्लेस का भाव प्रकट कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम यू आर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? यू आर ऑर्डर लगाएंगे। तो पैसे बनाएंगे किसका प्रयोग करेंगे? गाइस यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर। अब नेगेटिव है तो नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू राइट ऑन द वॉल ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट भी क्लियर ना हो तो यू आर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, जिससे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। अगर आप लेट से बनाएंगे तो ये सेंटेंस उचित नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखें। जब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यू आर ऑर्डर का प्रयोग करके आप सेंटेंस को पैसिव मोड में बदल सकते हैं। अब इसी में देखिए बी पार्ट ले लेते हैं हम साथ साथ। रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, तो रिक्वेस्ट के भाव प्रकट होने पर तो बहुत आसान है। जो हमारा फॉर्मेट होगा इस तरह से होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर अगर नेगेटिव भी हो तो नॉट लगा देंगे। नोट में घेरे में रखा कि ना हो सकता तो रिक्वेस्ट टू
प्लस डी वन प्लस अदर वर्ड, ये फॉर्मेट अपनाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, अच्छा प्लीज सब दिया है, जब प्लीज या काइंडली सब दिया होता है तो उससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है गाइस? रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, जबकि सबसे पहले क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। फिर टू प्लस बी वन लगाएंगे, प्लीज को हटा देंगे, टू सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट भी हीरो ऑब्जेक्ट होता है इसमें। इसके बाद फिर अदर वर्ड्स लगा देंगे, ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। दूसरा देख लीजिए, प्लीज डोंट प्लक फ्लावर्स, अब प्लीज सब दिया है तो सीधी सी बात है रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, तो प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड के बाद नॉट लगाएंगे, भी नेगेटिव है, डोंट को हम हटा देंगे। तो हमारा जो पैसिव बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, लिखेंगे नॉट टू पिलक फ्लावर, और डोंट को हमने हटा दिया क्योंकि नॉट लगा दिया, और टू से पहले नोट लगाएंगे। तो प्लीज वाला बहुत आसान है, इसमें एक ही रूल फॉलो करेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये सेंटेंस हमने देख लिए, ये आपके समझ में आ गए होंगे। अगला पार्ट देखिए, इसमें हम आसानी से वन बाई वन समझ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना है, बहुत आसान है। अब इसी में सलाह का बोध भी होता है, इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस सी, अब एडवाइस का बोध है सलाह, तो सलाह के परिपेक्ष में हम फॉर्मेट जो बनाते हैं वो इस तरह से होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट होगा आपका, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लगाते हैं, सुड का प्रयोग करते हैं, क्या लगाते हैं गाइस, सुड। नेगेटिव होगा तो नोट लगा देंगे, फिर बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, चाहे आप लगा सकते हैं चाहे नहीं लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मत लगाइए। न्यू सब्जेक्ट होगा शुड लगाएंगे, नॉट होगा बी होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, लगा भी सकते हैं ना भी लगा सकते हैं, और आपका अदर वर्ड्स, इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। देखिए आगे है, रीड योर बुक डेली, अब इसमें कह रहा है रीड योर बुक डेली, अपनी किताब रोज पढ़ो। अब आप किसी से ये कह रहे हैं कि अपनी किताब रोज पढ़ो, तो ना तो रिक्वेस्ट की जरूरत है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, और ना ही आदेश की जरूरत है कि आदेश पालन करा नहीं सकते हम, जहां पालन नहीं करा सकते वहां सलाह का बोध होता है, ना किसी चीज का हम पालन करा सकते हैं वहां किसका बोध होता है, वहां एडवाइस का बोध होता है, और यहाँ रिक्वेस्ट का बोध है वहां तो प्लीज दिया हो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जहां हम ये नहीं समझ पाए कि ये रिक्वेस्ट नहीं है, छांट लेंगे आराम से कि दो रह गए, अगर प्लीज नहीं दिया है तो या तो एडवाइस हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है,
अब सेंटेंस की स्थिति को देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस कह रहा है कि रीड योर बुक डेली, अपनी किताब रोज पढ़ो। अब जरूरत नहीं है कि हम कह सकते हैं कि पढ़ भी सकता है ना भी पढ़ सकता है। एक सलाह का अभाव प्रकट हो रहा है, सजेस्ट कर रहे हैं हम, सलाह दे रहे हैं उसके लिए, एडवाइस कर रहे हैं उसके लिए। तो किताब उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है पढ़े या ना पढ़े। तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है योर बुक, योर बुक, और इसके अनुसार क्या लगाएंगे, सुडो, क्योंकि सलाह का बोध हो रहा है। फिर लगाएंगे बी, और थर्ड फॉर्म रीड की हो जाएगी रेड, अदर वर्ड्स में डेली। दूसरा देखिए, डोंट डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों को मत अपमानित करिए। तो यदि ये भी सलाह है, आदेश नहीं है, इसमें भी सलाह का ही बोध हो रहा है। क्योंकि भाई आप सलाह दे रहे किसी के लिए, जरूरी नहीं है कोई परेशान कर रहा, अपमान कर रहा, उसका हेडेक है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि ये कहें कि भाई गरीबों को मत सताइए। तो सलाह का बोध हो रहा है सीधा सीधा। तो उसका पैसेज जो बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में द पुअर दिया है, तो द पुअर सबसे पहले आ जाएगा, और पुअर के बाद क्या लगाएंगे, सुड, क्या लगाएंगे, सुड, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, बी इंसल्टेड, मत सेंटर बन गया, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो आप तीनों कैटेगरी समझ गए, जहां सलाह का बोध हो वहां सुड का यूज करेंगे, जहां आदेश का बोध हो वहां लेट का यूज करेंगे, और जहां पर रिक्वेस्ट का बोध हो वहां प्लीज दिया हो वहां रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। अब आप देखिए, आपको जनरल सा आइडिया बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम ये तो हमने अलग अलग पढ़े, अब कुछ जनरल चीजें उसके बारे में अवगत करा रहा हूं। देखिए अब तीनों हमने अलग अलग पढ़े, अब सेंटेंस दिया होता है, जैसे सेंटेंस दे दिया, सिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस दे दिया, इसको हमें बनाना है पैसे। प्लीज तो दिया नहीं है, सिंग ए सॉन्ग दिया है, प्लीज नहीं दिया है, तो प्लीज को हटा दो। ओके, दो रह गए हमारे पास, ऑर्डर वाले और एडवाइस वाले। अब किसी के लिए हम आदेश कर सकते हैं कि गाना गाने के लिए, क्या गाना गाओ भाई, हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो एक परसेंट भाई जरूरी नहीं है कोई नहीं गा रहा आपके आदेश पर, तो इसका मतलब आदेश खत्म हुआ। अब रहेगी सलाह, किसी को सलाह दे रहे हैं भाई हम एक गाना गाओ, ये हमारी सलाह है, वो नहीं मानना, तो सलाह का बोध हो रहा है यहाँ पर भाई। तो ऐसी स्थिति में जब हम असमंजस की स्थिति में हो, भाई प्लीज वाला हट गया, रिक्वेस्ट मत लगाइए, दो में से कंफ्यूजन पैदा होता है स्टूडेंट के लिए, तो वहां आपको आइडिया करें कि जब ऑब्जेक्ट दिया जाए, मत आदेश समझिए, मत रिक्वेस्ट समझिए, और ना ही आप एडवाइस समझिए। रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, प्लीज नहीं दिया है, अब दो चीजें बची आपके लिए, एडवाइस और दूसरा ऑर्डर। तो ऑर्डर के सेंस में लेट का यूज करते हैं, एडवाइस के सेंस में सुड का यूज करते हैं। तो देखिए इसका एक जनरल फंडा है, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया जाए और प्लीज ना हो, तो हम सब छोड़ करके सबसे पहले लेट का प्रयोग करें। लेट में ऑर्डर का भाव भी है और हल्का एडवाइस का भाव भी शो करता है, इसलिए लेट का यूज हम कर सकते हैं। लेट ए सॉन्ग बी सॉन्ग, जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तब ये बात हम लेट का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए दूसरा, ये तो हमने ऑब्जेक्ट दिया तब लेट लगाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, खाली ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट जाए किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली ना हो, तो क्या करेंगे, लेट से प्रारंभ करके लेट का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए, जैसे मान लो ये है,
अब इसमें देखिए डोंट गो इन द डार्क, अंधेरे में मत जाओ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ आपको सोचने की आवश्यकता है कि इसमें आर्डर का भाव हो रहा है या सलाह का भाव हो रहा है, यहाँ सोचने की जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो बिना सोचे आप लेट का प्रयोग करिए, 100% करेक्ट आपका सेंटेंस माना जाएगा। अब डोंट गो इन द डार्क, अंधेरे में मत जाओ, अब जाने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है, जाए या ना जाए वो उसका हेडेक है, आपका मकसद है उसे बताना, अर्थात सलाह देना, इसमें सलाह का अभाव बरकत हो रहा है। तो यहाँ आप लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो इन द डार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ये एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब दिया है, यू आर एडवाइज नॉट टू गो इन द डार्क। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे दूसरा तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, सिट डाउन, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें लेट का यूज नहीं कर सकते हम, सिट डाउन, सलाह का बोध तो खैर हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस से बोध हो रहा है हमारा, किसका बोध हो रहा है, आदेश का बोध हो रहा है सीधा सीधा। तो यू आर ऑर्डर से बनाइए ऐसे सेंटेंस, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, जैसे अक्सर देखा है जैसे टीचर एंटर करते हैं क्लास में तो बच्चे उनका सम्मान के रूप में खड़े होकर स्वागत करते हैं, तो टीचर का जो वर्ड होता है सिट डाउन, प्लीज बोल देते हैं, लेकिन सिट डाउन ऑर्डर का भाव भी प्रकट हो सकता है, तो दोनों उसमें है, तो प्लीज सिट डाउन बोल दिया लेकिन आदेश का भाव भी हो रहा है वहां पर प्लीज के साथ साथ, भले ही रिक्वेस्ट भी ने कहा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट दिया है तो लेट का प्रयोग करिए, प्लीज दिया है तो रिक्वेस्ट का प्रयोग करिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और प्लीज भी नहीं दिया है तो सीधी सी बात है फिर आपको ऑर्डर या कहना चाहिए रिक्वेस्ट का भाव भी हो सकता है और एडवाइज का भाव भी हो सकता है, उसके आधार यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड लगा के टू लगा के सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको ये बनाना है, इनको चेंज करना, थ्री सेंटेंस देना, चेक योर नॉलेज, वन सेंटेंस है दूसरा है, डोंट वॉक इन द गिमी फूड, डोंट वॉक इन दिस गार्डन, तीसरा है प्लीज ए स्टोरी, और चौथा और देख लीजिए इसमें राइट एंड एस, ये फोर्थ सेंटेंस है, इनको पैसे में आपको बदलना है और पैसे बना करके कमेंट बॉक्स में इनका रेस्पॉन्स देना है, तब हम समझेंगे कि आपके समझ में आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।